खबरें आ रही हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काजी फायसी साहब मुल्क से फरार, नवाज शरीफ मुल्क से फरार, शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पे मुल्क से फरार, अब जरदारी साहब का पांव टूट गया है, वो भी मुल्क से फरार। कुछ और अहम लोगों के हवाले से भी इत्तलात हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन उससे पहले समी इब्राहिम साहब का बड़ा बयान सुन लीजिए, उन्होंने सरदारी साहब के ज़ख्मी होने के हवाले से इत्तला दी है, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, समी इब्राहिम साहब ने यह कहा है कि खबरें आ रही हैं कि सदर पाकिस्तान फॉर्म 47 सरदारी साहब ज़ख्मी हो गए हैं, पाँव उनका मुड़ गया है, और उसके बाद पाँव टूटा या नहीं इस हवाले से पता नहीं है, लेकिन उसको प्लस्तर कर दिया गया है, उसको बांध दिया गया है, और अब वो बीमार हो चुके हैं और तकरीबन एक मंथ तो उन्होंने रेस्ट लेना ही लेना है। लेकिन इत्तलात इस किस्म की है नाज़रीन इकराम के वो पाकिस्तान में हैं ही नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर फरार हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान फॉर्म 47 आसिफ अली सरदारी का गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचने पे जहाज़ से उतरते ही पाँव फ्रैक्चर हो गया। तर्जमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली सरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल पहुँचा दिया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद आसिफ अली सरदारी के पाँव को प्लस्तर कर दिया। आसिफ अली सरदारी के पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर लगाया गया है और आसिफ अली सरदारी को घर मुंतकिल करके मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया गया है। तो कुछ तो बड़ा होने वाला है, वो बड़ा क्या होने वाला है इसे आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आज के आगे ज़रूर शेयर कीजिए, हमारा काम था आप तक खबर पहुँचाना, अब कमेंट करना आपका काम है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए।